फरात सीरिया में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। युद्ध से तबाह इस मुल्क में ये नदी लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। देश के बड़े भूभाग में यही खेती का आधार है, इसी से पीने का पानी मिलता है और इसी से बिजली बनती है। लेकिन तीन देशों से होकर बहने वाली ये नदी सियासत में ऐसी फंस गई है कि अब इस पर निर्भर लोग पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। फरात नदी कभी खालिद अल खमीस के जैतून के बगीचे के करीब से होकर गुजरती थी, लेकिन जैसे जैसे नदी में पानी कम होता गया वो बगीचे से दूर होती चली गई। पेड़ों की तो बात छोड़ ही दीजिए, अब खमीस के परिवार को पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं। पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। महिलाएं बच्चों के लिए एक बाल्टी पानी लाने के लिए 7 किलोमीटर चल कर जाती हैं। हमारे पेड़ सूख गए हैं, बगीचे सूख गए हैं, कुछ नहीं बचा है। सहायता समूह और इंजीनियर चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तरी सीरिया पर एक नए मानवीय संकट का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 10 साल से चल रहे युद्ध के बाद अब यहां नदी का घटता पानी इस इलाके में रहने वालों के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बन रहा है। फरात लगभग 2800 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका उद्गम तुर्की में है। वहां से निकलकर ये नदी सीरिया में दाखिल होती है और फिर इराक में लंबी यात्रा तय करने के बाद दजला से मिलती है और फिर फारस की खाड़ी में गिर जाती है। दजला और फरात, इन दोनों नदियों के किनारों पर हजारों साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। आज भी ये दोनों नदियां एक बड़े भूभाग की प्यास बुझाती हैं। लेकिन ये इलाका आज जटिल राजनीतिक भंवर में फंसा है और कुछ तल्ख वास्तविकताएं नदियों के आड़े आ रही हैं। फरात सीरिया में ज्यादातर कुर्द इलाकों से होकर बहती है। हाल के बरसों में कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका की मदद से इस्लामिक स्टेट के खूब दांत खट्टे किए हैं और उनके कब्जे से अपने कई शहरों और बांधों को आजाद कराया। लेकिन ये कुर्द लड़ाके तुर्की की नजरों में चुभते हैं। वो उन्हें प्रतिबंधित कुर्दिश वर्कर्स पार्टी से जुड़ा मानता है। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाकों में अच्छी खासी कुर्द आबादी रहती है और उनके कई संगठनों को तुर्क सरकार अलगाववादी मानती है। सीरिया के कुर्दों का कहना है कि तुर्की फरात नदी के पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और सीरिया के हिस्से का पानी उसे नहीं दिया जा रहा है। उनका इल्जाम है कि तुर्की अपने बांधों में जरूरत से ज्यादा पानी रोक रहा है। वहीं तुर्की के सूत्रों का कहना है कि देश के कुछ इलाके भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं। दक्षिणी तुर्की में तो बीते 30 साल की सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, इसीलिए पानी की अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद तुर्की बाकी पानी सीरिया के लिए छोड़ रहा है। लेकिन कुछ विश्लेषक कहते हैं कि तुर्की लंबे समय से उत्तरी सीरिया की आर्थिक रूप से कमर तोड़ना चाहता है और अब सूखे को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फरात नदी जब सीरिया में दाखिल होती है तो सबसे पहले उसका पानी तिशरीन बांध में आता है। इसके डायरेक्टर हमूद अलहदीन कहते हैं कि 1999 में डैम बनने के बाद से यहाँ कभी पानी का स्तर इतना कम नहीं रहा। जनवरी से लेकर अब तक यहाँ पानी के स्तर में 5 मीटर की कमी दर्ज की गई है। पानी डेड लेवल से चंद सेंटीमीटर ही ऊपर है। डेड लेवल वो स्तर है जब टरबाइन पूरी तरह बिजली बनाना बंद कर देती हैं। हालात चिंताजनक हैं। अभी तिशरीन बांध पर और शायद सिर्फ ऐसा तिशरीन डैम पर हो रहा है कि काम 16 घंटे से रुका हुआ है। इस दौरान पंप पूरी तरह बंद है और बिजली नहीं बन रही है। पंपिंग स्टेशन ठप हो गए हैं। बस छोटे मोटे एक दो स्टेशन चल रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यहाँ की स्थिति मानवीय संकट में बदल गई है, जिससे सीरिया और इराक में लगभग 50 लाख लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। इसका सीधा असर यहाँ जमीन पर पड़ता है।
नदी जब दूर चली गई तो पाइपों के जरिए पेड़ों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई, लेकिन ये बेहद खर्चीला सौदा है। 12 बच्चों के पिता खमीस कहते हैं कि उन्होंने नदी में कभी इतना कम पानी नहीं देखा। हम 14 लोग हैं और युद्ध के दौरान हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। नदी में पानी घटने से खेतों के साथ साथ मवेशियों और इंसानों की प्यास भी नहीं बुझ पा रही है। मेरी 2 बेटियां हैं, पत्नी है, तीनों को पथरी है क्योंकि पीने का पानी साफ नहीं है। कल मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। हम पानी नहीं खरीद सकते। पानी का एक बैरल 500 से 1000 सीरियन पाउंड का आता है और हमारे पास पानी की टंकी भी नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं। उधर बिजली की किल्लत से अब इस इलाके में बेकरियों, आटा मिलों और अस्पतालों का काम भी प्रभावित होने लगा है। बिजली नहीं होती है तो ये लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और उन्हें बाध्य करता है कि वे तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा गर्मियों में लोगों को ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। पंपिंग स्टेशन और बिजली प्लांट यदि बंद रहें तो लाखों हेक्टेयर कृषि की जमीन प्रभावित होगी। सब्जी, मक्का और कॉटन की फसलों पर भी इसका बहुत ही असर होगा। सहायता एजेंसियों का कहना है कि सीरिया के बड़े भूभाग में सूखे की वजह से पहले ही बारिश पर निर्भर बहुत सारी खेती बर्बाद हो गई है। युद्ध से जर्जर सीरिया में 60% लोग हर दिन अपने खाने का इंतजाम करने के लिए जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस साल सीरिया में जौ के उत्पादन में 12 लाख टन की कमी हो सकती है। ऐसे में जानवरों के चारे का इंतजाम करना और मुश्किल होगा। कुछ समुदायों में तो जानवर मरने भी लगे हैं।